अभी तक आपने सुना कि किस तरह से इंस्पेक्टर मोहन कहता है कि मुझे डैनियल के थ्रू एक बड़ा ऑफिसर बनना है। जब डैनियल को पता लगता है कि लियाकत जिंदा है तो वो कैसे भी करके जेल से बाहर निकलना चाहता है। अब डैनियल बाहर निकलने के लिए क्या तरकीब अपनाता है, आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 96 में, जो कि है डैनियल हॉस्पिटलाइज्ड। डैनियल किसी तरह जेल से निकल के लियाकत के पास पहुंचने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी इंस्पेक्टर मोहन डैनियल के पास आया और बोला, बस कुछ देर और रुक, फिर आज मैं तेरी सारी हीरोबाजी निकालता हूं। इंस्पेक्टर मोहन की बातों से तंग होकर डैनियल ने गुस्से में चिल्लाते हुए इंस्पेक्टर मोहन से बोला, तू मुझे क्या दिखाएगा इंस्पेक्टर? तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर ना शहर के हर गली और नुक्कड़ में मिलते हैं, मुझसे सलाम करते हैं मुझे, तुझे दिखाऊंगा तो मैं। एक बार बाहर निकलने दे, फिर तेरी इस वर्दी से अपनी जेब का रुमाल बनवाऊंगा और तू सिर्फ देखता रह जाएगा। इंस्पेक्टर मोहन ने जैसे ही डैनियल की इन कड़वी बातों को सुना, इंस्पेक्टर मोहन ने जिस लॉकअप के अंदर डैनियल को बंद किया हुआ था उस लॉकअप के गेट पर लात मारते हुए इससे बोला, चुप साले, अब तो तू गया। अगर मैंने तुझे हमेशा के लिए जेल में नहीं सड़ाया ना तो मेरा नाम भी मोहन नहीं। इस पर डैनियल ने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, तब तो तू एक काम कर इंस्पेक्टर, अपना दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे। अभी तुझे मेरी पावर का कोई अंदाजा नहीं है, बेवजह ही गर्मी दिखा रहा है तू। दिखा ले, कुछ पल के लिए दिखा ले, कुछ पल के लिए राजा ही बन जा तू। जब मेरा वक्त आएगा ना तेरी सारी चर्बी झाड़ दूंगा। इंस्पेक्टर मोहन ने बहुत गुस्से में अपने एक हवलदार को आवाज लगाते हुए बोला, ओए जल्दी आ इधर चाबी लेकर, अभी बताता हूं इसे, लॉकअप की चाबी ला। साला मेरी चर्बी झाड़ेगा, अब तो मैं पहले इसकी जम के धुलाई करूंगा, फिर कोई दूसरा काम करूंगा। इतने धीमे धीमे क्यों आ रहे बे, जल्दी आ। अब मैं इसको जितना देख रहा हूं मेरा उतना ही खून खौल रहा है। डैनियल इंस्पेक्टर मोहन को बहुत गुस्से से घूर रहा था। इंस्पेक्टर मोहन को घूरते घूरते डैनियल ने अपने मन में बोला, तू अंदर आ तो सही, पागल तू ही तो वो रास्ता है जिसके जरिए मैं लियाकत तक पहुंचूंगा। आज जी भर के मार ले, तेरे एक एक वार का हिसाब तो मैं तुझे बाद में ही दूंगा। इंस्पेक्टर मोहन ने जल्दी से डैनियल जिस लॉकअप में बंद था उसका दरवाजा खोला और अंदर जाते ही डैनियल के पेट में खींच कर एक लात मारी, जिसके चोट से डैनियल वहीं लेट गया। तब तक इंस्पेक्टर मोहन ने एक डंडे से डैनियल को मारना शुरू किया। डैनियल जानबूझकर दर्द से चीख रहा था। डैनियल जितना चीख रहा था इंस्पेक्टर मोहन उसे उतना ही मार रहा था। इंस्पेक्टर मोहन ने डैनियल को कुछ देर बिना देखे लगातार लात घूसो और डंडे से मारा। फिर इंस्पेक्टर मोहन को रोकने के लिए हवलदार पाठक अंदर आया और उसने इंस्पेक्टर मोहन को रोकते हुए बोला, सर सर रुकिए, वरना ये बेचारा तो मर ही जाएगा। आप तो बिल्कुल ही इसकी जान लेने पे आमदा हो गए हैं। आप जानते नहीं हो ये भी कोई आम आदमी नहीं है, शहर के सबसे अमीर राजघराने का दामाद है। ये मर गया तो आपकी नौकरी भी ऑफिसर भटनागर की तरह जा सकती है। उस हवलदार की बात सुनते ही इंस्पेक्टर मोहन ने हवलदार पाठक को बहुत गुस्सा किया और इंस्पेक्टर मोहन ने उस हवलदार के गाल पर खींच कर एक झापड़ मारा और बोला, अब तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे किस क्रिमिनल के साथ क्या करना है और उसको कितना मारना है। यहाँ से जाओ वरना तुम्हें भी इसी की तरह बहुत मार पड़ेगी, हड्डियां पसली एक कर दूंगा, बता रहा हूँ। चलो अब निकलो यहाँ से। हवलदार पाठक के वहां से जाते ही इंस्पेक्टर मोहन ने डैनियल की ओर देखा तो पाया कि उस वक्त डैनियल सच में अब होश में नहीं था। इंस्पेक्टर मोहन ने उसे इतना मारा था कि वो सच में बेहोश हो गया था। एक पल तो इंस्पेक्टर मोहन को भी लग रहा था कि कहीं डैनियल उसकी ज्यादा मार सहन न कर पाया हो और मर गया हो, लेकिन फिर भी जब इंस्पेक्टर मोहन ने डैनियल की नाक के पास उंगली लगाकर देखा तो पाया कि अभी उसकी सांस चल रही थी और उसकी नब्ज टटोल कर भी देखी तो पता चला कि अभी वो जिंदा है। इंस्पेक्टर मोहन ने अभी हाथों में लिए डंडे को जमीन पर पटकते हुए फ्रस्ट्रेशन में आकर बोला, क्या यार, अब मैं इसका भी इलाज करवाऊं जाकर, अभी तो मैंने इसे बस मारना ही शुरू किया था, जरा सी मार भी सहन नहीं कर पाया साला, और ललकार तो ऐसे रहा था जैसे रोज दंगल लड़ता होगा। लॉकर रूम से बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर मोहन ने पुलिस स्टेशन के दो हवलदारों से बोला, सुनो जाओ उसे उठाकर लेके आओ और जीप में डाल दो, साला थोड़ी सी भी मार सहन नहीं कर पाया, बेहोश हो गया। मैं लियाकत को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसे भी वहीं एडमिट करवा दूंगा, ऐसे ही चलता रहा तो हॉस्पिटल में तो सिर्फ क्रिमिनल्स ही एडमिट होते रहेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर मोहन पुलिस की जीप की ओर चले गए और दोनों हवलदार डैनियल को लॉकअप रूम से उठाकर जीप में लाकर लेटा दिया। जैसे ही जीप के ड्राइवर ने जीप को स्टार्ट किया
जीप के पिछले हिस्से में बैठा हवलदार पाठक ने, जिसने कुछ देर पहले इंस्पेक्टर मोहन को डैनियल को और ज्यादा मारने से रोका था। इंस्पेक्टर मोहन को रोकते हुए बोला, सर आप कहें तो क्या डैनियल की बीवी को फोन करके बता दे कि डैनियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आकर देख लेंगे एक बार। हवलदार पाठक की बात सुनते ही इंस्पेक्टर मोहन को उस पर गुस्सा आया और फिर इंस्पेक्टर मोहन ने उस पर गुस्सा करते हुए बोला, क्यों बे, ये तेरा जीजा लगता है क्या? बहुत देर से देख रहा हूं, तुझे इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र सता रही है। हवलदार पाठक उम्र में इंस्पेक्टर मोहन से काफी बड़े थे। इंस्पेक्टर मोहन का उनसे इस तरह बात करना उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने इंस्पेक्टर मोहन को टोकते हुए बोला, सर आप ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तमीज से बात कीजिए, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लीजिए, मैं उम्र में आपसे बहुत बड़ा हूँ, आज तक ऑफिसर भटनागर ने भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है और आपको तो अभी अभी शोहरत मिली है, लेकिन लग रहा है कि आप इस शोहरत को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे ही उस हवलदार ने ये सारी बातें इंस्पेक्टर मोहन से बोली, बिना देरी किए इंस्पेक्टर मोहन ने जीप का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर उस हवलदार से बोला, तुझे तमीज देखनी है, चल उतर नीचे आ, फिर तुझे मैं दिखाता हूँ तमीज होती है। इंस्पेक्टर मोहन को इस तरह गुस्सा करते देख जीप के ड्राइवर हसमुख चंद ने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, अरे सर छोड़िए ना, जाने दीजिए, बेचारे पाठक जी बुजुर्ग आदमी है, आप भी कहां इनके चक्कर में पड़े हैं, इनकी तो हमेशा से आदत है हर बात में बिना पूछे सलाह मशवरा देने लग जाते हैं। पाठक जी आगे से चुपचाप बैठिएगा, आज साहब का मूड सही नहीं है, फालतू रशीद कर दिए जाओगे, समझे कुछ। ये सुनकर हवलदार पाठक ने सर हिलाकर हामी भरी और नीचे देखने लगे और फिर इंस्पेक्टर मोहन ने भी ड्राइवर हसमुख चंद की बात मानते हुए वापस जीप में बैठ गए। कुछ देर में इंस्पेक्टर मोहन उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां पर लियाकत भर्ती था। इंस्पेक्टर मोहन ने एक डॉक्टर को रोका और स्ट्रेचर पर लेटे हुए डैनियल की ओर इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर साहब जरा इस मरीज को देखिए, क्या हुआ इसे, आधे घंटे से बेहोश है, होश में आ ही नहीं रहा है। उस डॉक्टर ने डैनियल की बॉडी को गौर से देखा, उसकी बॉडी पर काफी चोटें थी और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा था। फिर उस डॉक्टर ने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, आखिर हुआ क्या है इसे? इंस्पेक्टर मोहन ने उस डॉक्टर से झूठ बोलते हुए कहा, सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था, शायद किसी कार से एक्सीडेंट हो गया इसका, कार वाला इसे वहीं अकेले छोड़कर भाग गया, बस हम लोग उधर से निकल रहे थे, जैसे इसे बेहोश पड़ा हुआ देखा, बिना देरी के आपके पास ले आए, जल्दी देखकर बताइए डॉक्टर साहब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, हमारे पास ज्यादा वक्त है नहीं और काम भी बहुत है। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से मोहन डैनियल को बहुत मारता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से कहता है कि इसका एक्सीडेंट गाड़ी से हो गया था, गाड़ी वाला इसको वहीं छोड़ के भाग गया था, हमने इसको उठाया और आपके पास ले आए। अब आगे क्या होता है आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 97 में, जो कि है इंस्पेक्टर मोहन थ्रेट टू लियाकत। इंस्पेक्टर मोहन के इस सवाल पर उस डॉक्टर ने जवाब देते हुए बोला, देखिए सर कुछ मेजर इंजरीज लग रही हैं, अब वक्त तो लगेगा, मान के चलिए 1 से 1.5 हफ्ता तो आराम से लग जाएगा। जैसे ही इंस्पेक्टर मोहन ने उस डॉक्टर के मुंह से 1 से 1.5 हफ्ता सुना, उसने चौंकते हुए बोला, क्या 1 से 1.5 हफ्ता, आपका दिमाग तो सही है ना डॉक्टर साहब, 2 मिनट की मार से जो इसे चोटें लगी है उसे सही होने में इतना वक्त लग जाएगा। जल्दी जल्दी में इंस्पेक्टर मोहन ने उस डॉक्टर से सच बोल दिया, जिसके बाद उस डॉक्टर ने इंस्पेक्टर मोहन की तरफ शक भरे अंदाज में देखते हुए बोला, आप लोगों ने तो कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और अब आप बोल रहे हैं कि इसे मार पड़ी है, आप मुझे सच सच बताइए कि आखिर में इसके साथ हुआ क्या है। इंस्पेक्टर मोहन ने उस डॉक्टर की शर्ट के कॉलर को सही करते हुए उस डॉक्टर को जवाब देते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपने काम से काम रखेंगे तो हम भी शरीफ दिखेंगे और आप भी सही सलामत दिखेंगे, चलिए इसे झटपट से 1 दिन के अंदर सही करिए, नहीं तो फिर आपको हम इतना मारेंगे कि कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। इंस्पेक्टर मोहन की दी गई धमकी से वो डॉक्टर डर गया था और उसने तुरंत अपने हॉस्पिटल की नर्स को और कंपाउंडर को बुलाया और फिर डैनियल का इलाज करने के लिए एक रूम में लेके चला गया। फिर इंस्पेक्टर मोहन ने उस पुलिस वाले को फोन किया जो हॉस्पिटल में पहले से मौजूद था और जिसने कुछ देर पहले इंस्पेक्टर मोहन को हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताया था। इंस्पेक्टर मोहन ने उसे फोन करके पूछा, हेलो कहाँ हो तुम? वो पुलिस वाला चाय पीने के लिए हॉस्पिटल के बाहर इंस्पेक्टर मोहन के आने से जस्ट पहले अभी अभी आया हुआ था। उसने इंस्पेक्टर मोहन को जवाब देते हुए बोला, बस सर यही हूँ,
लियाकत के रूम के बाहर। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर मोहन ने पूछा, अच्छा मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, तुम एक काम करो, तुम किस फ्लोर पे हो मुझे बताओ, मैं वहीं आता हूँ। ये सुनकर वो पुलिस वाला घबरा गया क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल के बाहर था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर मोहन से डरकर फोन काट दिया और खुद से बोला, अब तो पक्का ये मुझे सस्पेंड कर देगा, ऐसा करता हूँ जल्दी से भाग के जाता हूँ, कह दूंगा दवाइयां लेने नीचे आया हुआ था। इतना कहकर वो पुलिस वाला वापस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और हॉस्पिटल के अंदर आते ही इंस्पेक्टर मोहन की नजर उस पर पड़ी। इंस्पेक्टर मोहन ने उस पुलिस वाले की तरफ घूर कर देखा और बोला, एक तो मुझसे झूठ बोलता है और ऊपर से मेरा फोन भी काट दिया, तुम सब साले वापस पुलिस स्टेशन पहुंचो, फिर तुम लोगों को वहीं बताऊंगा। अब चलो मुझे लियाकत के पास लेके चलो, मुझे मिलना है उससे, कहां है वो? उस पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर मोहन को जवाब देते हुए बोला, बस यहीं है सर, आप ठीक मेरे पीछे आइए। उस पुलिस वाले को फॉलो करते हुए इंस्पेक्टर मोहन उस रूम में पहुंचे जहां लियाकत लेटा हुआ था। इंस्पेक्टर मोहन ने उस कमरे में जाते ही वहां मौजूद नर्स से बोला, नर्स ये होश में कब तक आएगा, इस बारे में कुछ बता सकती हो तुम? इंस्पेक्टर मोहन को जवाब देते हुए बोला, पता नहीं सर, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर भी न जाने क्यों बेहोश है, ऐसा केस तो मैं खुद जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ, पल्स ऑक्सीजन सब कुछ ऑल राइट है, लेकिन फिर भी होश में नहीं आ रहा है, बस ये अंगूठा कट गया है, तो हो सकता है शायद ये पेशेंट उस सदमे में हो। नर्स की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर मोहन ने नर्स से वापस बोला, अच्छा तो ये बात है, होश में होते हुए भी बेहोश पड़ा है, अच्छा जाइए और ऐसा करिए आप डॉक्टर साहब को मेरे पास भेजिए, तब तक हम इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर मोहन की बात मानते हुए वो नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। इंस्पेक्टर मोहन ने हवलदार हसमुख चंद से बोला, हसमुख दरवाजा बंद करना जरा, मैं समझ गया हूँ ये साला लियाकत का बच्चा नौटंकी कर रहा है, अभी ये सब बोलेगा, जहां दो फटके पड़ेंगे ना बिल्कुल पोपट की तरह बोलेगा ये। हवलदार हसमुख चंद ने लियाकत जिस कमरे में एडमिट था उस कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर इंस्पेक्टर मोहन ने लियाकत के उस पैर के अंगूठे को जिसे कुछ वक्त पहले उस पागल ने काट दिया था उस जगह को अपनी उंगली से दबाया जिसके दर्द से लियाकत चिल्ला गया और बोला, अरे मार डाला मुझे, या अल्लाह क्या मुसीबत है, कोई साला चैन से भी दो पल जीने नहीं दे रहा है, अब आपको क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब, आप सब किस लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं? इंस्पेक्टर मोहन ने लियाकत की बातों का जवाब देते हुए बोला, अबे वो तो शुक्र कर तू हमारे हाथ लग गया है, कहीं अगर ऑफिसर भटनागर तुझे पकड़ लेते ना तो अब तक तुझे काट पीट कर किसी थैले में बांध करना कूड़े के ढेर में फेंक चुके होते। अच्छा ये सब छोड़, मेरे कुछ सवाल है, तुझे उनका जवाब देना होगा, अगर तूने उनके जवाब सही सही दे दिए तो फिर उसके बाद तू यहाँ से जा सकता है। लियाकत समझ गया था कि इंस्पेक्टर मोहन उसे अपने झांसे में लेना चाह रहे हैं। इंस्पेक्टर की सभी बातें सुनने के बाद लियाकत ने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, क्या जानना चाहते हैं आप इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है ही नहीं। इंस्पेक्टर मोहन समझ गया था कि लियाकत उसके साथ चालाकी कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए लियाकत से बोला, पहले तो मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर एक दिन से भी ज्यादा देर तक तुम नदी में डूबे रहे, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो यार, और साथ ही ये भी कि नदी में एक दिन तक डूबे रहने के बाद भी तुम बह के किसी और जगह क्यों नहीं पहुंचे, मुझे ये सच जानना है और पूरी उम्मीद है कि तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे, वरना। इंस्पेक्टर मोहन से धमकी सुनने के बाद लियाकत ने पूछा, वरना क्या करोगे इंस्पेक्टर, मैं तो बेगुनाह हूँ ना, आखिर एक बेगुनाह को क्या सजा देंगे आप? इंस्पेक्टर मोहन ने लियाकत से बोला, तुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं उस पागल से भी बड़ा पागल हूँ, उसने सिर्फ तेरे एक पैर के अंगूठा काटा है ना, मैं तेरे दोनों हाथ पैर सारी उंगलियां दोनों कान दोनों नाक जीभ सब काट डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू लियाकत है या कोई और। अब जरा दिमाग पर जोर डालकर सोच, कुछ याद आया, क्या है तेरे जिंदा होने का राज? इंस्पेक्टर मोहन की बात सुनकर लियाकत डर गया और बोला, ये कौन सी बात हुई सर, ये कोई सऊदी अरब थोड़ी है जो जरा जरा सी बात पर आप हाथ पैर काट दोगे, मुझे भी पता है कि हमारे देश का कानून बहुत लंबे प्रोसीजर से होकर गुजरता है, और रही बात कि मैं एक दिन तक डूबने के बाद भी अभी तक जिंदा कैसे हूँ, उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि मैं तो डूबने के तुरंत बाद बेहोश हो गया था। उस कमरे के एक हिस्से में खड़े हवलदार पाठक ने धीरे से हवलदार हसमुख चंद के कान में जाकर बोला, ये क्या ही ऑफिसर भटनागर को रिप्लेस करेंगे हसमुख, ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, इन्हें पूछना ये चाहिए कि आखिर इसे नदी में कूदने के लिए मजबूर किसने किया,
और पूछ रहे हैं कि जिंदा कैसे हो, अभी कुछ कह दो तो तुरंत मारने दौड़ते हैं ये। हे भगवान, किस किस को क्या क्या काम सौंप देते हो तुम भी। हवलदार पाठक को शांत करने के लिए कहते हुए हवलदार हसमुख चंद ने बोला, आमा तुम अजीब हो, साला खुद भी नपोगे और हमें भी नपवाओगे। तेवर देख रहे हो इंस्पेक्टर मोहन के, जब से इस केस के हेड बना दिए गए हैं ना, सीधी भाषा में किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। चुपचाप जो कह रहे हैं सुन लो, कर लो, ज्यादा तर्क वितर्क मत करो, और अगर करोगे तो कब तुमको मारने लगेगा ना कुछ नहीं पता। एक बार हम बचा लिए हैं, दोबारा हम बीच में नहीं आएंगे। चलो उधर हमसे दूर खड़े रहो जाकर। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से इंस्पेक्टर मोहन हॉस्पिटल में पहुंचता है और लियाकत को डराता धमकाता है। अब आगे क्या होता है आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 98 में, जो कि है टुमारो मॉर्निंग। लियाकत की बात सुनते ही इंस्पेक्टर मोहन ने गुस्से में बोला, मतलब तुम मुझे कुछ भी सच नहीं बताओगे, चलो मैं भी देखता हूं कैसे नहीं बताते हो। फिर इंस्पेक्टर मोहन ने हवलदार हसमुख को इशारे में वहीं उस कमरे के टेबल पर पड़ी कैंची उठाकर लाने के लिए कहते हुए बोला, हसमुख चंद जरा कैंची उठाकर तो लाओ, मैं भी देखता हूं ये कैसे नहीं बताता कि अब तक ये कैसे जिंदा है। अगर इसने आज कुछ भी सच सच नहीं बताया ना, तो ये कभी किसी को कुछ सच बताने के काबिल नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर मोहन की दी गई धमकी से लियाकत बहुत ज्यादा डर गया और उसने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, अरे ये क्या बात हुई, आप ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, आप मेरी जबान कैसे काट सकते हैं। इतना कहकर लियाकत तेज तेज रोने लगा और उसने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, इंस्पेक्टर साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम, नदी में डूबने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं हॉस्पिटल कैसे आया। इस पर इंस्पेक्टर मोहन ने लियाकत से बोला, हॉस्पिटल तो तुझे मैं लेके आया हूँ, लेकिन तू उससे पहले का सब कुछ मुझे सच सच बता, बल्कि मुझे पूरा यकीन है तू जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अभी तक हवलदार हसमुख चंद ने कैंची लाकर इंस्पेक्टर मोहन को नहीं दी थी, जिस बात से नाराज होकर इंस्पेक्टर मोहन ने हसमुख चंद को डांटते हुए बोला, तू भी बहरा हो गया है क्या, एक बार में सुनाई नहीं देता, बोला ना कैंची लेकर आ, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके जैसे मुजरिम को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, ये सब लातों के भूत है, बिना डराए धमके ये मानते नहीं है, बिना मार खाए नहीं मानेंगे, और जरूरत पड़ी तो जबान काटनी भी पड़ सकती है इसकी, इससे पहले भी तो क्रिमिनल्स के साथ ये कर चुका हूं मैं। हवलदार हसमुख चंद ने वो कैंची उठाकर इंस्पेक्टर मोहन को लाकर दी। इंस्पेक्टर मोहन ने फिर उन दोनों हवलदारों को अपने पास बुलाते हुए बोला, वहां खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, मेरी मदद करो आके, साला इससे अच्छा तो ये होता कि मैं अकेला ही यहां आ जाता, आओ और आके इसके हाथ पैर पकड़ो ताकि मैं इसकी जबान काटूं। हवलदार पाठक को इंस्पेक्टर मोहन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ना ही ये तरीका समझ आया था। हवलदार पाठक ने इंस्पेक्टर मोहन का विरोध करते हुए बोला, सर ये तो आप इस गरीब पर बिना बात का जुम कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है एक क्रिमिनल से सच उगलवाने का। हवलदार पाठक की बातें सुनते ही इंस्पेक्टर मोहन ने चिल्लाकर हवलदार पाठक से बोला, चुप हो जा वरना इससे पहले मैं तेरी जुबान काटूं, तेरी जुबान बहुत तेज चलती है, जितना बोला है उतना कराकर। हवलदार पाठक ने इंस्पेक्टर मोहन से बोला, कुछ भी हो जाए सर मैं इस जुर्म में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, पता नहीं दो दिन से आपको क्या हो गया है, जैसे ही प्रमोशन हुआ है आप तो हवा में उड़ने लग गए हैं, आप तो इंसान को इंसान समझना भूल गए हैं, मुझे घिन आती है आप पर कि आपके जैसे इंसान को मुझे सैल्यूट करना पड़ता है। इतना कहकर हवलदार पाठक उस कमरे से बाहर चला गया, जिसे देखकर इंस्पेक्टर मोहन ने गुस्से में हवलदार हसमुख चंद से बोला, इससे तो मैं बाद में निपटता हूं, तुम आओगे या तुम भी कोई भाषण देकर यहां से जाना चाहते हो। इंस्पेक्टर मोहन को इस तरह गुस्से में देख हवलदार हसमुख चंद ने बोला, नहीं सर, अरे वो पाठक तो पागल है, हम थोड़ी उसके जैसे बेवकूफी करेंगे, हम पकड़ रहे हैं इस साले के हाथ पैर और आप इसकी जबान काटिए, देखते हैं साला सच कैसे नहीं बताता है। हवलदार हसमुख चंद ने लियाकत के पास जाकर उसके हाथ और पैर पकड़े और इंस्पेक्टर मोहन से लियाकत का मुंह पकड़कर बस उसकी जुबान काटने ही जा रहा था कि तब तक वो नर्स वहां डॉक्टर को लेकर आ पहुंची और जैसे ही डॉक्टर ने इंस्पेक्टर मोहन को एक हाथ से लियाकत की जुबान पकड़े हुए देखा और दूसरे हाथ से कैंची पकड़े हुए, वो डॉक्टर समझ गया कि इंस्पेक्टर मोहन लियाकत की जुबान काटने का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने गुस्से में इंस्पेक्टर मोहन से बोला, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर इंस्पेक्टर, आप लोग पुलिस है या गुंडे, ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप मेरे पेशेंट को, चलिए छोड़िए इसे,
आप लोग मुझे अपनी हरकत और रवैये से तो कहीं से भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे हैं। लिसनर्स, बगैर मेरी परमिशन के मेरे परमिशन के बिना किसी भी इंसान को इस पेशेंट से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उस डॉक्टर के कहने पर इंस्पेक्टर मोहन ने लियाकत को छोड़ दिया, लेकिन पीछे हटते उसने लियाकत से बोला, ये मत सोचना तुझे छोड़ दिया है। जब तक हॉस्पिटल में है चैन से जी ले। जिस दिन तू यहां से छूटेगा ना, पुलिस स्टेशन में तेरी वो हालत करूंगा कि अगले जन्म में तू लूला और लंगड़ा दोनों पैदा होगा। इंस्पेक्टर मोहन के लियाकत को छोड़ने के बाद भी लियाकत बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने तेज तेज हांफते हुए वहां खड़े डॉक्टर से बोला, शुक्र है डॉक्टर साहब आप आ गए, वरना ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। और देखिए ना सर, मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, दम घुट रहा है मेरा, देखिए कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। उस डॉक्टर ने लियाकत को शांत करने के लिए कहते हुए बोला, आप बिल्कुल शांत लेटे रहिए, बस अंगूठे घटने के दर्द की वजह से आपको परेशानी हो रही है, आपको कल सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह सुनकर लियाकत बहुत ही ज्यादा घबरा गया और इंस्पेक्टर मोहन ने बहुत ही खुश होकर लियाकत से बोला, बस कल सुबह तक ऐश कर लो तुम, उसके बाद तो तुम मेरी गिरफ्त में हो। फिर तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी सच बोलेंगे। चल हसमुख, देखो चलकर गैनल की क्या हालत है अब। इतना कहकर इंस्पेक्टर मोहन हवलदार हसमुख चंद के साथ लियाकत के कमरे से बाहर गैनल के कमरे की ओर चला गया। लेकिन लियाकत ने जैसे ही इंस्पेक्टर मोहन के मुंह से गैनल के बारे में सुना, वो हैरान हो गया और लियाकत ने चौंक कर इंस्पेक्टर मोहन की तरफ देखा और खुद से बोला, क्या राजा साहिब और वो भी यहाँ पर, आखिर उन्हें क्या हुआ होगा? मुझे तो लगता है कि वो इस पागल इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाकर मुझे यहाँ से बचाकर ले जाने के लिए आए हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब तो मुझे पूरा यकीन है मैं यहाँ से बचकर निकल ही जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मोहन उस कमरे में जा पहुंचा जहाँ डैनियल को एडमिट किया गया था। इंस्पेक्टर मोहन ने जिस डॉक्टर को धमकाया था उसने इंस्पेक्टर मोहन को देखते ही बस इतना बोला, कल दिन में आप इन्हें ले जा सकते हैं, अब ये पूरी तरह ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर, अब तो मुझे पूरा यकीन है मैं यहाँ से बचकर निकल ही जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मोहन उस कमरे में जा पहुंचा जहाँ डैनियल को एडमिट किया गया था। इंस्पेक्टर मोहन ने जिस डॉक्टर को धमकाया था उसने इंस्पेक्टर मोहन को देखते ही बस इतना बोला, कल दिन में आप इन्हें ले जा सकते हैं, अब ये पूरी तरह ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर भी वहां से चला गया और इंस्पेक्टर मोहन ने हवलदार हसमुख चंद से बोला, मेरी बात गौर से सुनो हसमुख, तुम ही सिर्फ वो इंसान हो जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, जो अपना काम पूरी शिद्दत से करेगा। तुम्हें कुछ बहुत बड़ा काम करने को बोलने नहीं जा रहा हूं मैं, बस तुम्हें पूरी रात डैनियल और लियाकत की निगरानी करनी है, क्योंकि मैं काफी थक गया हूं, मुझे इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। मैं कल सुबह आऊंगा और फिर दोनों को ऐसे गायब करूंगा ना कि इन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, और इन दोनों को एक बेहद सीक्रेट जगह रखकर सारा सच उगलवाऊंगा। अखबारों में ये खबर छपा दूंगा कि हॉस्पिटल के अंदर रात के अंधेरे में लियाकत की लाश गायब हो गई, और डैनियल के बारे में तो वैसे भी किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तुम सब के सब अगर मुंह बंद करके रहोगे तो मुझे सीबीआई का चीफ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि किस इंसान को किस जुर्म में किस तरह फंसा कर अपना प्रमोशन कराया जाता है। खैर वो सब बात की बात है, फिलहाल तुम्हें ये करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों पर पूरी रात नजर रखनी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा भी प्रमोशन करवाऊंगा और फिर बहुत जल्द तुम भी हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाओगे। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से इंस्पेक्टर मोहन हसमुख चंद को कहता है कि पूरी रात डैनियल और लियाकत पे नजर रख, मैं सोने जा रहा हूं, अगर तूने ऐसा किया तो मुझे चीफ ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता सीबीआई का, और तेरा भी मैं प्रमोशन करवाऊंगा और तू हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाएगा। अब आगे क्या होता है आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 99 में, जो कि है डैनियल इज अवेकन। इंस्पेक्टर मोहन से अपनी तारीफ सुनकर और प्रमोशन की बात सुनकर हवलदार हसमुख चंद बहुत खुश हो गया और उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंस्पेक्टर मोहन से बोला, अरे वाह क्या बात है मोहन सर, आप सीबीआई चीफ बन जाएंगे और मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, अब तो बस आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, मैं बिल्कुल बाज की तरह दोनों पर नजर रखूंगा, एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकाऊंगा और ना ही कहीं इधर उधर जाऊंगा, बिल्कुल रात भर चौकन्ना होकर बैठूंगा, आप जाकर आराम से अपनी नींद पूरी कीजिए। लेकिन सर वो साला पाठक कुछ दिक्कत कर सकता है, उसका कुछ इंतजाम कीजिए ना। हवलदार हसमुख चंद की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर मोहन ने जाने से पहले हवलदार हसमुख चंद को जवाब देते हुए बोला,
हाँ देखता हूँ, उससे मैं खुद जाकर बात करता हूँ। कोशिश करूंगा कि उसे भी अपने साथ ले लूं। लेकिन तुम ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट रात है। मेरा यकीन करो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कुछ भी हो जाए, इन दोनों पर से अपनी नजर मत हटाना, क्योंकि डैनियल एक बहुत ही शातिर जर्नलिस्ट है। हालांकि वो बेहोश है, लेकिन वो कब कौन सी चाल खेल बैठे किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ता। उसके भी मैंने कम किस्से नहीं सुने हैं, इसलिए तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे शहर जरूर के सबसे बड़े और मशहूर क्रिमिनल रॉकी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। ऑफिसर भटनागर ने सीधी उंगली का इस्तेमाल करके डैनियल से सच उगलवाने की कोशिश की और नाकाम रहे। लेकिन मुझे पता है ये टेढ़ी उंगली का काम है, क्योंकि डैनियल खुद ही बहुत टेढ़ा है और चालाक इंसान है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ, अगर कल सुबह ये दोनों मुझे यहाँ नहीं मिले ना, तो प्रमोशन तो भूल जाओ, तुम्हारी जिंदगी में नरक बना दूंगा, क्योंकि मुझे हर हाल में सीबीआई का चीफ बनना है। समझ में आया? इंस्पेक्टर मोहन की बात सुनने के बाद हवलदार हसमुख चंद ने उसे जवाब देते हुए बोला, अरे सर, मैंने बोला ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पूरी रात यहीं खड़ा रहूंगा, हिलूंगा तक नहीं, चाहे भूकंप आ जाए या सुनामी। हवलदार हसमुख चंद की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर मोहन हॉस्पिटल से वापस अपने घर की ओर चले गए, और हसमुख चंद डैनियल के कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर डैनियल के कमरे से लियाकत के कमरे के साथ तक राउंड मारने लगा। इंस्पेक्टर मोहन के जाने के कुछ देर बाद डैनियल ने अपनी आंखें खोली और अपने दरवाजे की तरफ देखा कि उसके कमरे के बाहर बार बार किसी के आने और जाने की परछाई नजर आ रही थी। ये जानने के लिए कि बाहर कौन है, डैनियल अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, और फिर हवलदार हसमुख चंद जैसे ही डैनियल के कमरे से लियाकत के कमरे की तरफ मुड़ा, डैनियल ने धीमे से अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन ऐसा करने पर डैनियल ने यह पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे डैनियल थोड़ा परेशान हो गया, और फिर डैनियल ने खुद से बोला, ये जरूर इंस्पेक्टर मोहन का कोई हवलदार होगा, उसने जरूर मेरी निगरानी के लिए बाहर से बैठाया होगा इसे, और उसी ने मेरा दरवाजा बाहर से बंद किया होगा। अगर आज रात मैंने लियाकत को यहां से रफू चक्कर नहीं किया ना, तो कल सुबह वो मुझे और लियाकत दोनों को पुलिस स्टेशन वापस ले जाएगा और वहां ले जाकर जमकर पीटेगा। और लियाकत का इंस्पेक्टर मोहन के हाथ लगाने का मतलब है मेरे लिए खतरा और बढ़ना, और साथ ही ऑफिसर भटनागर भी मेरा सच जान जाएगा, और फिर उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मैं हो जाऊंगा, फिर मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। बट द शो मस्ट गो ऑन, और मेरे लिए इस वक्त ये शहर किसी शतरंज के खेल से कम नहीं है, और इस वक्त शतरंज से खेल में ये लियाकत मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा है। उसे जान से नहीं मार सकता हूं मैं, क्योंकि वो ही एक इकलौता इंसान है जो इस वक्त मेरे लिए जान दे सकता है और मेरे लिए किसी की जान भी ले सकता है। इसलिए अपने इतने वफादार आदमी को इस वक्त मारना, इसमें कहीं से समझदारी नहीं दिखती। लेकिन अब मैं उसे बचाऊं भी तो बचाऊं कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो इस हॉस्पिटल के अंदर कहां है, लियाकत कहां हो सकता है। इस सोच में पड़कर डैनियल अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया, और फिर कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों को रुकते हुए देखा, और साथ ही दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज भी सुनी, जिसे सुनकर डैनियल तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर आंखें मूंद कर वापस लेट गया। डैनियल के कमरे के अंदर एक नर्स दाखिल हुई, नर्स के साथ साथ हवलदार हसमुख चंद भी डैनियल के पास आकर खड़ा हो गया और उस नर्स से बोलने लगा, नर्स जी मेरी बात मानिए और ऐसा करिए कि इसे कोई ऐसी सुई लगा दीजिए जिससे इसे कल सुबह तक ही होश आए, इतना तो आप कर ही सकती है ना। हवलदार हसमुख चंद की बात सुनकर डैनियल डर गया, क्योंकि उसे ये डर सताने लगा कि कहीं वो नर्स सच में उसे बेहोशी का इंजेक्शन ना लगा दे। लेकिन उस नर्स ने हवलदार हसमुख चंद को मना करते हुए बोला, ना ही वो ऑफिसर भटनागर कहीं से पुलिस वाले लगते थे, ना ही आज जो आपके इंस्पेक्टर आए थे ना, वो कहीं से पुलिस वालों जैसी बात कर रहे थे, और ना ही आप। पता नहीं हमारे शहर को किसकी नजर लग गई है, सबके सब पुलिस वाले पागल हो गए हैं और लोग क्रिमिनल से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। कुछ पता भी है तुम्हें, शहर में दो लोगों का गुट है, कुछ लोग भैरव चंद की पूजा करते हैं और कुछ लोग रॉकी की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हवलदार हसमुख चंद ने फिर उस नर्स से पूछा, अच्छा और जो बचे बाकी के कुछ लोग, उनका क्या, वो किसे मानते हैं? उस नर्स ने हवलदार हसमुख चंद को जवाब देते हुए बोला, जो लोग इन दोनों गुटों से बचे हैं वो अभी भी भगवान में विश्वास रखते हैं कि वो ही सब कुछ वापस पहले जैसा करेगा और सब सही हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, और ये खिड़की क्यों बंद कर रखी है, बाहर की हवा आने दो, मरीज को घुटन हो जाएगी। डैनियल की हालत में कितना सुधार है ये देखने के बाद जैसे ही वो नर्स
डैनियल के कमरे की खिड़की खोलने चली। हवलदार हसमुख चंद उस नर्स को रोकते हुए खिड़की के पास पहुंचा और बोला, नहीं खिड़की नहीं खुलेगी, साहब ने हमारे बोला था इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी करनी है। तुम खिड़की खोलकर चली जाओगी और कहीं मेरी नजर इधर उधर हुई और इतने में ये गायब हो गया तो? तुम जाओ, मैं पंखे की स्पीड तेज कर देता हूं, अब अच्छी हवा लगेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए खिड़की नहीं खुलेगी। उस नर्स ने हसमुख चंद की बात सुनने के बाद उसकी बातों से परेशान होकर अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो नर्स डैनियल के कमरे के बाहर पहुंची, हवलदार हसमुख चंद ने उसे रोकते हुए बोला, सुनो एक काम करो, लियाकत को दवा देने का वक्त भी हो गया है, उसे भी दवाई दे दीजिए फिर आप जाइए, ताकि आप यहां बार बार ना आए, मुझे फिजूल का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, आपको ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, बस यही बगल में ही तो है लियाकत का रूम। जैसे ही डैनियल ने आंखें मूंदकर वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे अपने कानों से लियाकत के कमरे के बारे में सुना कि लियाकत उसके कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में है, ये सुनकर डैनियल मन ही मन खुश हो गया और खुद से बोला, बहुत खूब इंस्पेक्टर के चमचे, तुमने तो खुद ही अपने मुंह से मुझे सब बता दिया, जिसे जानना मेरे लिए सबसे जरूरी था। लियाकत की बात मानते हुए वो नर्स लियाकत के कमरे की ओर चली गई। उसने कमरा खोला, हवलदार हसमुख चंद ने देखा लियाकत अपने बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। लियाकत को यूं बैठा देख हवलदार हसमुख चंद ने बोला, अबे ओए तू बैठा क्यों है, चुपचाप सो जा, यहां से भागने का प्लान बना रहा है क्या? यहां से भागने के बारे में गलती से भी सोच भी मत लियो, ऐसी नौबत आने पे मुझे सबने बोला हुआ है कि तुझे तुरंत गोली मार दी जाए, समझा? अभी तक आपने सुना कि किस तरह से हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर मोहन के द्वारा लगाया गया हवलदार लियाकत से कहता है कि मैं तुझे गोली भी मार सकता हूं। अब आगे क्या होता है आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 100 में, जो कि है प्लान टू आउट। लियाकत ने हवलदार हसमुख चंद की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब उसे पूरी उम्मीद थी कि अभी डैनियल आएगा और उसे हॉस्पिटल से छुड़ा के ले जाएगा। लियाकत को यूं मुस्कुराता देख हवलदार हसमुख चंद ने बोला, अरे तू मुस्कुरा क्यों रहा है बे? साले आज ही अंगूठा घटाया तेरा, लेकिन अभी भी होश ठिकाने नहीं आए तेरे, है ना? लियाकत ने हसमुख चंद को कोई भी जवाब नहीं दिया, बस सर नीचे करके शांत हो गया। उस नर्स ने आकर लियाकत को दबा दी, जिसे लियाकत ने खाया और फिर लेट गया। नर्स और हवलदार हसमुख चंद लियाकत के कमरे से वापस जाते ही लियाकत वापस उठकर बैठ गया और बहुत धीमे धीमे से कदम बढ़ाकर अपने कमरे की खिड़की के पास गया और खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए बोला, राजा साहब जल्दी से आइए, वरना ये साले कल सुबह मुझे यहाँ से ले जाकर पक्का मेरा कीमा बना देंगे। उधर डैनियल भी अपने बिस्तर से उठकर अपने कमरे की खिड़की की ओर जाकर उसने खिड़की खोलकर अपना सर बाहर निकालकर ये देखने की कोशिश की कि वो लियाकत के कमरे में कैसे पहुंच सकता है। डैनियल ने देखा कि खिड़की के रास्ते होते हुए लियाकत के कमरे के अंदर जाना ही एकमात्र चारा था, इसलिए डैनियल ने बिना देरी किए लियाकत के कमरे में जाने का मन बना लिया। तभी इस बात से अनजान डैनियल और लियाकत के कमरे के बाहर तैनात हवलदार हसमुख चंद को इंस्पेक्टर मोहन ने फोन किया और बोला, हाँ हसमुख चंद कहाँ हो तुम, वहां कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मिनट के लिए भी उन दोनों के कमरे के बाहर से मत हटना जब तक मैं ना आ जाऊं, पूरे वक्त उन दोनों पर कड़ी निगरानी रखना, समझ में आया? हवलदार हसमुख चंद ने इंस्पेक्टर मोहन को जवाब देते हुए बोला, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, मैं तो इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि 2-3 रात तक जाग सकता हूँ। सर आप मेरी बात मानिए, आराम से नींद लीजिए, आप सुबह इन दोनों को आपके कदमों में पेश करूंगा मैं। हवलदार हसमुख चंद की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर मोहन ने फोन काट दिया और फिर हवलदार हसमुख चंद ने खुद से बोला, इंस्पेक्टर मोहन भी खामखा परेशान हो रहे हैं, अब तक तो दोनों गहरी नींद में सो रहे होंगे, इतनी बुरी तरीके से घायल है, अरे कहां भाग के जाएंगे साले। एक काम करता हूँ, एक नींद मैं भी मार लेता हूँ, इंस्पेक्टर मोहन को क्या ही पता चलेगा, उनके आने से पहले उठ जाऊंगा। इतना कहकर हवलदार हसमुख चंद वही डैनियल के कमरे के सामने जमीन पर लेटकर सो गया। उधर दूसरी तरफ जैसे ही डैनियल अपने कमरे से लियाकत के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे की खिड़की वाली जगह पर अपना पैर रखने चला, उसे अचानक से दर्द महसूस हुआ, जिस वजह से डैनियल कुछ देर के लिए वहीं रुक गया और अपने पैर को जमीन पर वापस रखते हुए बोला, इंस्पेक्टर मोहन तूने ये ठीक नहीं किया।
मैं तुझसे अपने हर एक दर्द का बदला लूंगा और 100 गुना दर्द दूंगा तुझे। साले ने आज मुझे मारा तो बहुत है, अगर बेहोश होने की एक्टिंग नहीं करता ना तो ना जाने कितनी देर तक मारता रहता है मुझे वो। अगर यहाँ से निकलना है तो ये दर्द मुझे सहन करना होगा। फिर से कोशिश करता हूँ, एक बार झांक के देख लेता हूँ क्या लियाकत के कमरे की खिड़की खुली है या नहीं। डैनियल ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर बाहर लियाकत के कमरे की खिड़की की तरफ झांका और देखा तो पाया कि लियाकत के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अब डैनियल ने भी बिना देरी किए लियाकत के कमरे में जाने को ठान लिया था और इंस्पेक्टर मोहन के डैनियल को मारने की वजह से हो रहे दर्द को नजरअंदाज करके डैनियल अपने खिड़की के रास्ते से होते हुए लियाकत की खिड़की से होकर उसके कमरे में जा पहुंचा। लियाकत के कमरे में पहुंचकर डैनियल ने देखा वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था। लियाकत के कमरे में दाखिल होते ही डैनियल ने लियाकत के पास धीमे से जाकर उसके कान में आवाज लगाते हुए बोला, लियाकत, ओ लियाकत, जल्दी से उठ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना कोई आ सकता है। जैसे ही लियाकत ने डैनियल की आवाज सुनी उसने बिस्तर से उठकर डैनियल की ओर देखा और फिर बोला, अरे राजा साहिब आप आ गए, हमें मालूम था आप जरूर आएंगे। डैनियल ने लियाकत को टोकते हुए धीमी आवाज में बात करने के लिए कहते हुए बोला, अबे धीरे बोल पागल, कहीं कोई सुन लेगा ना तो फिर दोनों को उठा के जेल में ले जाएंगे। लियाकत ने डैनियल से आहिस्ता आवाज में बोला, ओके राजा साहिब समझ गया, देखे ना राजा साहिब सब उल्टा पुल्टा हो गया, मैं लड़खड़ा कर नींद में गिर गया और फिर ये पुलिस वाले मुझे उठाकर यहाँ ले आए और फिर यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ एक पागल मेरे पैर का अंगूठा काट के चला गया। फिर वो साला इंस्पेक्टर मोहन ने तो मुझे हमेशा के लिए घूंगा करने की ठान ली थी, मेरी जुबान काटने जा रहा था, वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आ गए और उसे रोक दिया, वरना तो मैं अब आजीवन घूंगा हो जाता। डैनियल ने उसे और कुछ बोलने से रोकते हुए बीच में ही बोल पड़ा, ठीक है ये सब मुझे बाद में बताना, अभी यहाँ से निकलने का प्लान बनाना है समझा, जल्दी से उठ तैयार हो यहाँ से भागने के लिए वरना कल सुबह ये इंस्पेक्टर मोहन मुझे और तुझे यहाँ से ले जाएगा। उससे हर हाल में बचना है, वो हमें बहुत टॉर्चर करने के मूड में है, इसलिए बस हमारे पास ये रात का ही वक्त है यहाँ से निकलने के लिए। डैनियल की बातों में हामी भरते हुए लियाकत ने बोला, जी राजा साहिब मैं खुद यहाँ से भाग कर कोई सुरक्षित जगह जाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ गाँव निकल जाऊँ। ये सुनकर डैनियल ने लियाकत से बोला, अबे तू गांव क्या करेगा जाकर, मैं बस किसी भी तरह इस बैराचत को जान से मार दूंगा फिर तुझे गोवा घुमाने के लिए ले जाऊंगा ठीक है। गोवा सुनकर लियाकत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई और उसने डैनियल से पूछा, क्या राजा साहिब सच में आप मुझे गोवा ले चलेंगे। डैनियल ने लियाकत को जवाब देते हुए बोला, हाँ लेकिन अभी अपनी बकबक बंद कर और कुछ दिमाग लगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि ये साला हवलदार किसी भी वक्त अंदर आ सकता है तुझे देखने के लिए। लियाकत ने डैनियल की बातों को गौर से सुना और फिर बोला, बिल्कुल अभी कोई आइडिया देता हूँ आपको जिससे हम लोग यहाँ से फौरन बाहर निकल जाएंगे राजा साहिब। वैसे हम लोग किस फ्लोर पर हैं राजा साहिब? डैनियल ने उसे जवाब देते हुए बोला, दूसरे फ्लोर पे हैं हम। जिसे सुनकर लियाकत ने डैनियल से बोला, तब तो कूदना रिस्की होगा, फिर तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा राजा साहिब। कुछ देर तक डैनियल ने लियाकत की तरफ ध्यान से देखा और फिर एक झापड़ मारते हुए बोला, साले तेरी एक टांग तो ढंग से काम करती है नहीं और तू यहाँ से कूद कर बाहर जाना चाहता है, ये दिमाग लगाया तूने और ये था तेरा प्लान, अबे तू कब सीखेगा कुछ, तुझसे तो कोई भी उम्मीद लगाना बेकार है, मैं ही देखता हूँ कैसे निकलना है यहाँ से। डैनियल के झापड़ खाने के बाद लियाकत ने अपने गाल पे हाथ रखा और नीचे फर्श की तरफ देखने लगा। डैनियल ने फिर खिड़की से बाहर से लियाकत के बगल वाले कमरे की तरफ देखा, उस कमरे की खिड़की बंद थी। डैनियल के दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर वो और लियाकत किसी तरह उस कमरे में चले गए तो वो दोनों आराम से हॉस्पिटल से बाहर जा सकते हैं। डैनियल ने फिर किसी तरह एक पाइप के सहारे उस पर चलकर लियाकत के बगल वाले कमरे की खिड़की के पास जा पहुंचा और उस कमरे की खिड़की पर हाथ मारने लगा। डैनियल ने उस कमरे की खिड़की पर बार बार हाथ मारने के बाद उस कमरे में मौजूद शख्स ये देखने के लिए उस खिड़की पर आ गया कि वहां पे कौन था। खिड़की के पास आकर उस आदमी ने खिड़की खोली, खिड़की खोलते ही जैसे उसने बाहर देखा डैनियल ने उस आदमी की नाक पर एक घूंसा मारा जिस वजह से वो आदमी बेहोश हो गया।